हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज इस सेशन में, इस क्लास में जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे दैट इज लिंडल इक्विलिब्रियम। लिंडल इक्विलिब्रियम जो है वो पब्लिक फाइनेंस या कहें पब्लिक इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर साल एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। करेक्ट। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अब से जो भी टॉपिक हम यहाँ स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके थ्रू आप उस टॉपिक का एक पीडीएफ नोट भी परचेज कर पाएंगे। करेक्ट। और ये जो नोट होगा ये बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर, बहुत ही साधारण से चार्जेस पर आप इसको परचेज कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे 10 रुपये 20 रुपये में आपको एक क्वालिटी एश्योर्ड, एक फेयर, एक नोट मिलेगा, पीडीएफ नोट मिलेगा जिसके थ्रू आप टॉपिक के रिगार्डिंग जो है एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं और उसके बदले में चैनल को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है जिसके थ्रू हम स्मूथली अपने ऑपरेशंस को रन कर सकते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू रख सकते हैं। करेक्ट। तो अब बात करते हैं हम लिंडल इक्विलिब्रियम की। लिंडल इक्विलिब्रियम बेसिकली क्या है? लिंडल इक्विलिब्रियम जो है ये 1919 में ये मॉडल आया। एक बेसिक इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। नाउ लिंडल इक्विलिब्रियम जो है एक एरिक लिंडल नाम के एक इकोनमिस्ट हुए। ही एरिक लिंडल वॉज ए स्वीडिश इकोनमिस्ट थे। उन्होंने 1919 में एक आइडिया दिया। ही प्रपोज एन आइडिया ऑफ एक्सपेंडिचर्स फॉर सेटिस्फाइंग पब्लिक वॉन्ट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स बर्डन। करेक्ट। एक्सपेंडिचर्स फॉर सेटिस्फाइंग पब्लिक वॉन्ट्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स बर्डन। ये जो आइडिया था ये सबसे पहले उन्होंने पब्लिकली प्रपोज किया एक किताब में, जिस किताब का नाम था द क्लासिक्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। द क्लासिक्स इन द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस नाम की किताब, ये किताब विच वॉज रिटन बाई रिचर्ड मुसग्रेव ने ये किताब लिखी, ठीक है। रिचर्ड मुसग्रेव वॉज एन अमेरिकन इकोनमिस्ट और वो एक जर्मन हेरिटेज के इकोनमिस्ट थे, रिचर्ड मुसग्रेव। करेक्ट। बट ये जो आइडिया था, ये बेसिकली है क्या, कॉरस्पॉन्डिंग टैक्स बर्डन क्या है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली पब्लिक इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, तो आपको पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड के बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि पब्लिक गुड की जो है कुछ दो क्वालिटीज़ हैं, जैसे कि पब्लिक गुड जो है नॉन एक्सक्लूडेबल है एंड नॉन राइवलरी है, ठीक है। तो एक उपभोक्ता या कहें कंज्यूमर के कंजप्शन से दूसरे कंज्यूमर की जो कंजप्शन है वो इससे प्रभावित नहीं होती है, ये क्वालिटी है पब्लिक गुड की। करेक्ट। तो ये जो आइडिया था, बेसिकली ये आइडिया ये यूरोप में नया नहीं था, ठीक है। तो होता क्या है कि इस घटना से बहुत समय पहले जो आइडिया इन्होंने दिया एरिक लिंडल ने, इससे काफ़ी समय पहले एक स्वीडिश इकोनमिस्ट थे नट विक्शल। सो नट विक्शल ने सबसे पहले ये चीज़ टच की, उन्होंने पब्लिकली नहीं बट ये आइडिया जो था वहाँ आम जो इकोनमिस्ट थे उनके बीच में ये आइडिया था। तो सबसे पहले नट विक्शल ने ये आइडिया दिया एंड नट विक्शल जो थे एरिक लिंडल के प्रोफेसर थे, उनके स्टूडेंट थे एरिक लिंडल और उनके मेंटर भी थे, ठीक है। तो एरिक लिंडल प्रपोज्ड मेथड फॉर फाइनेंसिंग पब्लिक गुड्स इन ऑर्डर टू शो दैट द कंसेंसस पॉलिटिक्स इज पॉसिबल। तो उन्होंने कंसेंसस पॉलिटिक्स के बारे में कि ये पॉसिबल है सोसाइटी के अंदर बिकॉज पीपल आर डिफरेंट एंड देयर प्रेफरेंसेज आर डिफरेंट। तो कंसेंसस पॉलिटिक्स बेसिकली क्या है? कंसेंसस पॉलिटिक्स रिक्वायर्स ईच इंडिविजुअल टू पे समवॉट डिफरेंट टैक्स फॉर पब्लिक गुड और कह सकते हैं पब्लिक सर्विसेज। अब कंसेंसस जो है मतलब सोसाइटी के अंदर आपस में सहमति, मतलब कंसेंसस डेवलप करके
एक पब्लिक गुड को जो है फाइनेंस किया जा सकता है। और क्योंकि लोगों का जो नेचर है वो सबका डिफरेंट है और उसी के हिसाब से उनका प्रेफरेंसेस भी अलग है, तो अपनी मार्जिनल बेनिफिट के हिसाब से, अपने मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से वो एक डिफरेंट टैक्स पे करेंगे, मतलब कुछ कॉस्ट बियर करेंगे, तो जिसको इस मॉडल में लिंडल टैक्स बोला गया है। ठीक है, तो यही कंसेंसस डेवलप होगा जिसके थ्रू जो है जिसको लिंडल इक्विलिब्रियम कहा गया है। और जो उसकी टोटल कॉस्ट है, मान लीजिए कि एक सोसाइटी जो है आपस में आम सहमति बना करके एक पार्क डेवलप बिल्ड कराना चाहती है अपनी सोसाइटी में, ठीक है, तो आपस में सब लोग एक आम सहमति बना करके अलग अलग कॉस्ट उसका बियर करेंगे और जो टोटल कॉस्ट है उसका वही मार्जिन सोशल कॉस्ट कहलाती है, जिसे हम लिंडल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उसको कैसे अचीव करेंगे वो हम अभी मॉडल में समझने की कोशिश करेंगे एक डायग्राम के थ्रू, करेक्ट। तो ये इसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी कुछ तीन रिक्वायरमेंट्स हैं, कंडीशंस हैं, जिन्हें हम अजम्पशंस भी कह सकते हैं, ठीक है। पहले उन्हें देखते हैं तीन अजम्पशंस को, फिर हम आगे मूव करेंगे, करेक्ट। नाउ अब हम बात करते हैं इसकी कुछ तीन अजम्पशंस हैं, या आप इन्हें लिमिटेशन कह लीजिए या कंडीशंस कह लीजिए। सो थ्री कंडीशंस मस्ट बी मेट इन इन लिंडल्स इक्विलिब्रियम। सो पहली जो अजम्पशन है दैट इज एवरी कंज्यूमर डिमांड्स द सेम अमाउंट ऑफ द पब्लिक गुड एंड दस एग्रीज ऑन द अमाउंट दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड। अब जितने भी लोग उस पब्लिक गुड को या उस पब्लिक सर्विस को चाहते हैं उनका उनका जो डिमांड है वो सेम क्वांटिटी में होगा, मतलब वो सेम क्वांटिटी में डिमांड कर रहे हैं जो भी चीज़ प्रोड्यूस की जा रही है, करेक्ट। नाउ सेकेंड, ईच कंज्यूमर पेज ए प्राइज नॉन एज ए लिंडल टैक्स अकॉर्डिंग टू द मार्जिनल बेनिफिट दे रिसीव। अब देखिए जो भी पैसा जो भी टैक्स वो पे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए उसको लिंडल टैक्स के नाम से इसमें बुलाया गया है। और वो लोग अपने मतलब सब लोग अलग अलग पे कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक गुड जो है या पब्लिक सर्विस जो है वो एक कलेक्टिव कंजप्शन है, तो सब अपने मार्जिनल यूटिलिटी के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट के हिसाब से जो है वो लोग पे कर रहे हैं, तो उसी पैसे को उसी टैक्स को जो है लिंडल टैक्स इसमें पुकारा गया है। नाउ द थर्ड अजम्पशन इज दैट द टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द टैक्स कवर्स द फुल कॉस्ट ऑफ दैट पब्लिक गुड। मतलब कि जो टोटल रिवेन्यू होगा, मतलब जितने लोग उस चीज़ के बारे उस पब्लिक गुड की या उस पब्लिक सर्विस के लिए डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, वो उसका टोटल कॉस्ट जो है वो उनका जो टोटल रिवेन्यू होगा, जो उनसे मिला हुआ जो टैक्स है उसका जो टोटल रिवेन्यू होगा, ठीक है, वही उस पब्लिक गुड का उस पब्लिक सर्विस का टोटल कॉस्ट होगा, जिसे हम मार्जिनल सोशल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ये जो है पब्लिक गुड, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये कलेक्टिव कंजप्शन है, ठीक है। नाउ ये इसकी तीन कंडीशंस थी। अब हम बात करते हैं इसका मेन थ्योरी के बारे में। पहले मैं एक डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, फिर हम देखते हैं कि कैसे लिंडल इक्विलिब्रियम को अचीव किया जाता है, करेक्ट। नाउ अब बात करते हैं लिंडल इक्विलिब्रियम जो है कैसे अचीव किया जा रहा है, ठीक है, कैसे काम करता है। एक हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है जिसमें हमने दो कंज्यूमर लिए हैं सिंपलिसिटी के लिए, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी, करेक्ट। तो दो कंज्यूमर हैं एक सोसाइटी में और दोनों मिल करके जो ओवरऑल कॉस्ट है वो स्विमिंग पूल बनवाना चाहते हैं, ठीक है, और उसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो उसको दोनों मिलकर के कवर करेंगे, ठीक है। तो कवर कैसे करेंगे, दोनों के लिए उस स्विमिंग पूल का जो कॉस्ट है वो अलग अलग रहेगा क्योंकि दोनों का मार्जिन बेनिफिट अलग अलग है, दोनों के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग है। तो सोशल गुड का मैंने पहले ही बिगनिंग में बताया कि सोशल गुड जो है वो एक कलेक्टिव कंजप्शन है, एक उपभोक्ता के उपभोग करने से दूसरे उपभोक्ता या तीसरे उपभोक्ता के लिए जो उसकी अवेलेबिलिटी है वो इंटैक्ट रहती है, ठीक है, बराबर उतनी ही रहती है वो। सो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ इसके अंदर है, देखिए, इन ए सिटी रेजिडेंट्स ए एंड बी वॉन्ट टू बिल्ड ए पब्लिक पूल
ए पब्लिक गुड द मार्जिनल सोशल द मार्जिनल कॉस्ट टू बिल्ड दिस स्विमिंग पूल इज 200 rupees पर स्क्वायर मीटर द रेजिडेंट्स ऑफ द सिटी ए कंज्यूमर ए एंड बी आर विलिंग टू पे 1 lakh rupees अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट। इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल बेनिफिट? इसका मतलब है कि एरिक लिंडल का जो मॉडल है, ये जो ये लिंडल इक्विलिब्रियम है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट ये है कि जो पब्लिक गुड की, सोशल गुड की जो क्वांटिटी है, जो सप्लाई है, वो भी कंज्यूमर के ऊपर ही छोड़ दी गई है। जितना ज़्यादा आप मार्जिनल बेनिफिट आपको होगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आपके लिए उस चीज़ का, उस सोशल गुड का प्रेफरेंस होगा, करेक्ट, महत्वता होगी, ठीक है, उसके हिसाब से आप पे कीजिए, और जितना आप पे कर सकते हैं उसकी सप्लाई भी आप ही डिसाइड करेंगे, ठीक है, वो भी आपके ऊपर है। तो कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी ने मिल करके इस सोशल कॉस्ट को यहाँ कंप्लीट किया, तो क्वांटिटी उन्हें इतनी मिल रही है, ठीक है, ये सोशल गुड हो गई, ये वो स्विमिंग पूल की क्वांटिटी है जो कि सप्लाई की जा रही है 200 स्क्वायर मीटर 200 रुपये पर स्क्वायर मीटर है, ठीक है, एंड 1 lakh rupees वो पे कर सकते हैं दोनों मिल करके। अब वो बात अलग है कि ए जो है वो बी से थोड़ा कम पे कर रहा है, उसके पीछे उसको उसको कुछ और कारण हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं, जैसे ए जो है हो सकता है कि वो उतना इंटरेस्टेड ना हो स्विमिंग पूल में, हो सकता है उसके पीछे कुछ और कारण हो सकते हैं कि वो वीक में सिर्फ एक ही दिन उसको टाइम मिलता हो, और बी जो है हो सकता है उसकी स्विमिंग करना उसकी हॉबी हो, करेक्ट, और भी रीजंस होते हैं। तो कहने का मतलब है कि बी के लिए उसका प्रेफरेंस, उसकी महत्वता ज़्यादा है और ए के लिए थोड़ी कम है, तो दोनों अपनी मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग पे कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाउ इस डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे सप्लाई है पब्लिक गुड का, एंड दिस इज वर्टिकल एक्सिस, यहाँ प्राइजेज हैं। ये जो कर्व हैं, ये कंज्यूमर ए का कर्व है, डिमांड कर्व है, और ओ ए जो है कंज्यूमर ए पे कर रहा है अपने मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग, एंड इसी तरीके से जो कंज्यूमर बी है ओ बी, ये अपने जो बी कंज्यूमर है वो अपने मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग पे कर रहा है। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ओ ए इक्वल्स टू एम बी ए, ओ ए जो है यहाँ पे कर रहा है इतना, और ये अपनी मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग पे कर रहा है। सो ओ ए जो है पे कर रहा है अपने मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग, एंड इसी तरीके से हम लिख सकते हैं ओ बी इक्वल्स टू एम बी बी, करेक्ट। सो बी जो है वो अपने मार्जिनल बेनिफिट के अकॉर्डिंग पे कर रहा है, और दोनों मिल करके इतना कॉस्ट वो दे रहे हैं, तो सप्लाई इतनी है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एरिक लिंडल ने जो सप्लाई है वो भी कंज्यूमर के ऊपर ही छोड़ दिया है, वही डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो दोनों का जो सप्लाई एंड डिमांड जो है वो इतनी है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा यहाँ हो गया। सो ये जो है दिस इज कॉल्ड मार्जिनल सोशल कॉस्ट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम एस सी मार्जिन सोशल कॉस्ट इक्वल्स टू मार्जिनल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर ए प्लस मार्जिनल बेनिफिट ऑफ कंज्यूमर बी। सो बहुत कुछ इसमें कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी थ्योरी रही है, करेक्ट, लिंडल इक्विलिब्रियम। तो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। इस वीडियो में, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।